अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। जीवन में आपको 5 तरह के दोस्त जरूर बनाने चाहिए। अगर ऐसे दोस्त आपके जीवन में हैं, तो फिर आप हर मुश्किल से हंसकर निकल सकते हैं। अव्वल तो ये आपको कभी मुसीबत में पड़ने नहीं देंगे और अगर कभी मुश्किल में फंसे भी तो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। ये आपके जीवन को खुशियों से भरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बार फ्रेंडशिप डे अपने इन खास दोस्तों के साथ मनाएं। वो जो आपकी बातों को सुने समझे। हर किसी को एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो आपकी बातों को सुने, आपको समझे। जब आपका मूड खराब हो तो आपकी बातों को सुने, चाहे ये बातें कितनी ही बेवकूफी भरी या उबाऊ हों। आप इनसे अपने ऑफिस, रिश्तेदारों से जुड़ी और ऐसी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही हो, जो आपका हर वक्त ख्याल रखे। ख्याल रखने वाले ऐसे दोस्त आपको बमुश्किल ही मिलेंगे, पर कोई न कोई ऐसा एक दोस्त जरूर होगा जो आपकी केयर करता हो। एक ख्याल रखने वाला दोस्त हमेशा ध्यान रखेगा कि कौन सी बात आपको बुरी लग सकती है और किस बात से आपको खुशी होगी। एक बुद्धिमान दोस्त की जरूरत। सुनने, समझने और ख्याल रखने वाले दोस्त के अलावा जीवन में एक ऐसे दोस्त की जरूरत भी महसूस होती है जो आपको जरूरत पड़ने पर सही सलाह दे सके। ऐसे कई लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से जीवन को समझकर आपको सही सलाह दे सकते हैं। जीवन में ऐसे दोस्तों का होना भी बेहद जरूरी है। एक दोस्त ऐसा भी जीवन में एक ऐसे दोस्त की जरूरत भी होती है जो फन लविंग हो। कई बार अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के कारण जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। ऐसे में दोस्त ही होते हैं जो आपको उस परिस्थिति से खींचकर बाहर निकालते हैं और आपके साथ खूब सारी मस्ती भी करते हैं। ये आपके जीवन में हंसी को दोबारा लेकर आते हैं। एक ईमानदार दोस्त। कई बार हमें सच सुनने की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच कितना कड़वा है। एक ईमानदार दोस्त का होना इसलिए जरूरी है। ये आपकी आलोचना करते हैं और बताते हैं कि आप कहां गलत हैं। यह बात अपनी गलती को सुधारने और आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।